अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आए हैं दाल खाने के लिए। जब दाल की बात आती है देसी खानों की, आपको पता है कि शान है, और दाल खाने के लिए ढाबों से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होती है। वहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज दाल की मिलती हैं, जिसमें तवे पे और फ्राई पैन के अंदर उसको फ्राई किया होता है। लेकिन अगर आप जायके के साथ गजाइया से भी भरपूर दाल खाना चाहते हैं, तो उसके लिए जट्टे से बेहतर आपके लिए पास लाहौर में कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज हम आपको जो प्लेस विजिट करवा रहे हैं वो है जट्टा दाल वाला। ये देसी घी के अंदर चने की दाल को फ्राई करते हैं, स्पाइसेस इसके अंदर बहुत कम होते हैं। इसके अलावा देसी मुर्ग और मटन भी इनके पास होता है। पहले लोकेशन के बारे में आपको गाइड कर देते हैं। अगर आप मॉल रोड से आ रहे हैं तो स्टेट बैंक और हाई कोर्ट से जो रोड अंदर टर्न कर रहा है वहाँ पे आपने आ जाना है। उस रोड पे आगे आएंगे तो एक गंदा नाला आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। राइट साइड पे गंदा नाला है, उसके साथ आपको टर्न करना है सामने का। शॉप के बाहर कहीं भी जट्टा दाल वाला नहीं मेंशन किया हुआ, बस आपको इनकी शक्ल याद रखनी पड़ेगी। जब भी जाएं इन भाई को आप देखें तो समझ जाएं कि यही जट्टा दाल वाला हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी खुशबू वाला ताज़ा देसी घी डिब्बों में फिल किया जा रहा है, इससे दाल को तड़का लगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाँ अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह का। नदीम भाई थोड़ी गपशप कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ, आप बताइए कि आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है और आप कब से ये काम कर रहे हैं? अब मैं तो इधर 70 साल हो गए हैं वालद साहब के, यानी के टाइम का ये काम है, तो 25 साल तो हमें हो गए हैं ये काम करते। ये हम देसी मुर्ग पकाते हैं, दाल पकाते हैं देसी देसी घी में, और देसी ये दाल होती है, और छोटा गोश्त होता है बकरे का, क्योंकि वो आजकल तो ये सब ये कहते हैं ना मटन, लेकिन मटन का वो भी बन जाता है, टमाटर का वो कह रहे हो शायद, वो बकरे का गोश्त बनाते हैं देसी बकरे का, और ये देसी मुर्ग होता है, ये देसी घी में बनाते हैं, देसी दाल हम लेके आते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि ये हम जो से है ना ये मटन दाल जो की होती है ये ज्यादा बड़े लोग आते हैं ज्यादा ये अच्छी लाइक करते हैं, और देसी मुर्ग लेग पीस के साथ कई लोग जो उनसे होते हैं वो मटन दाल पसंद करते हैं, और मछली की बोटी होती है हमारे पास। कोई लोग ऐसे होते हैं जो देसी मुर्ग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका वो जो लेग पीस होता है ना वो दाल के साथ ऐड करके देते हैं ना, जब उसके अंदर मसाला डाल जाता है वो मुर्ग का, वो डबल टेस्ट हो जाता है। देसी मुर्गा इसको अलग से पकाया जाता है, थोड़ा सा शोरबा रखा जाता है। जब दाल में इसको ऐड करना होता है तो दाल को पहले देसी घी में फ्राई किया जाता है, फिर उसको चिकन के अंदर ऐड किया जाता है, तो इसकी गजाइयत जो है वो पहले से भी दोगुनी हो जाती है। फ्रेंड देसी घी के तड़के वाली स्पेशल जट्टे की दाल हमारे पास आ चुकी हुई है। थोड़ा क्लोजअप आप इसका व्यू देखें, ये बिल्कुल स्पाइसेस के बगैर है,
इसकी ग्रेवी होती है थोड़ी ये पतली होती है और ऊपर इसके देसी घी का तड़का लगा होता है। सिर्फ धनिया और हरी मिर्च इसमें शामिल की होती है। मैं पिछले 14 साल से जटे की दाल खा रहा हूँ, लेकिन इनकी शॉप पे आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, क्योंकि 14 साल से हम ऑफिस में मंगवा के वहीं पे खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज खुद मैं जाके इनकी शॉप विजिट करता हूँ, आप लोगों को भी विजिट करवाते हैं। एक सही लज्जत से भरपूर खाना जो होता है वो वाला टेस्ट है। स्पाइसेस अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो फिर हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, लेकिन स्पाइसेस वाली दालें तो आपको पता है कि आपको मुख्तलिफ प्लेसेस पे रोड पे हर जगह पे मिल जाती हैं। अगर आपको जेन्युइन टेस्ट वाली और ग़िज़ाइयत से भरपूर दाल चाहिए तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। दाल को देसी घी का तड़का लगाया जाता है, फिर उसके अंदर फ्रेश हरी मिर्चें कटी हुई शामिल की जाती हैं और सब्ज धनिया। जब आप काउंटर पे एक बार दाल को तड़का लगता देख लेते हैं तो आपकी भूख पहले से भी ज़्यादा हो जाती है। कम 70 साल पुरानी दुकान है, ठीक है। इनकी इनके पहले वालद साहब हुआ करते थे, उनका बड़े पूरे पंजाब में नाम था, पूरे पंजाब में जट्टा जट्टा दाल वाला। किसी से भी पूछने वो आपको बताएंगे मजंग में जट्टा दाल वाला खान है। देसी घी का तड़का, देसी घी एक नंबर, देसी मुर्गा एक नंबर, आपको हर चीज़ यहाँ पे एक नंबर चीज मिलेगी। आप आएँ और दूसरे लोगों को भी बताएं कि ज़रूर आएँ यहाँ पे, आके दाल टेस्ट करें। देखें हम तो आते रहते हैं, हमारा तो काम ही होगा खाना। सर आप बताएं कि इनकी दाल दूसरे लोगों की दाल से क्या मुख्तलिफ है, उसमें क्या चीज़? दूसरे लोगों की दालों में इतनी मिर्चें, बुलान दुकान, यहाँ पे कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं, कोई शुगर, कोई हर नहीं खा सकता इसको, इजी वे खा सकता है। गर्मियों में देसी घी के तड़के वाली दाल और देसी चिकन और मटन खा के गर्मी के इलाज का भी इनके पास बंदोबस्त है। ये देखें फ्रेश लस्सी, ये बिल्कुल चाटी वाली लस्सी तो नहीं लेकिन तकरीबन उसके जैसी ही है। ठंडी लस्सी का गिलास एक बार पी लेते हैं तो सुकून मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त से आ रहा हूँ, अब मेरी शादी को भी 25 साल हो गए हैं। इसमें तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाचा जट्टा जब खुद यहाँ पे खड़े होते थे उनके साथ आके शुगर करना, मैं उस वक्त से रेगुलर आ रहा हूँ और इनके टेस्ट में डे फर्स्ट से लेकर आज तक वैसे ही है, बल्कि ये काम शाम अब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, दुकानदारी बड़ी है तो छोटी दुकान की, लेकिन टेस्ट जैसा वैसे था अभी भी वैसे ही है। जावेद हो गया, बिल्ला हो गया, ये सारे छोटे छोटे थे, मैं उस वक्त से आ रहा हूँ। फ्रेंड्स हमने अपना और यहाँ के कस्टमर्स का फीडबैक आपसे शेयर किया, उससे आपको यहाँ के टेस्ट के बारे में तो अंदाज़ा हो गया होगा,
लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हम इनको सजेस्ट भी करते हैं, ये चूँकि सामने से गंदा नाला गुजर रहा है कि इनको अब यहाँ से अपनी दुकान शिफ्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ का टेस्ट ऐसा है कि आप एक बार इसको विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा।